बंगाल विधानसभा चुनाव में दो दावेदार माने जाने वाली पार्टियां भाजपा और टीएमसी में से टीएमसी ने कल 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट जारी करने से पहले जिसका अंदाजा नहीं लगाया गया था वो लिस्ट जारी करने के बाद ही शुरू हो गया। कायदे से ममता दीदी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से बीजेपी में हड़कंप मचना चाहिए था, लेकिन यहां तो दीदी की खुद की ही पार्टी में घमासान छिड़ गया है। लिस्ट में नाम ना शामिल होने और टिकट कटने से विधायकों में रोष नजर आया। कहीं सड़क जाम, कहीं तोड़फोड़ की और कहीं तो विधायकों का रोना गाना भी शुरू था। बताया जा रहा है कि करीब 27 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है। 4 बार विधायक रही सोनाली गुहा भी इनमें शामिल है। उन्होंने खुलकर अपना विरोध जाहिर करते हुए कहा, मैं हमेशा ममता बनर्जी के साथ रही और मुझे ये मिला। मेरा नाम इसलिए हटा दिया गया क्योंकि मुझे डायबिटीज है। कम से कम उन्होंने मुझे बता ही दिया होता, भगवान करे कि समझ आए। साउथ 24 परगना में भाननगर और नॉर्थ 24 परगना के अमदांगा में टीएमसी समर्थकों ने सड़कों को जाम कर दिया क्योंकि यहां मौजूदा विधायक अराबुल इस्लाम और रफीकुर रहमान को टिकट नहीं दिया गया है। भानगर में एक टीएमसी दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। इस्लाम ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरे बूथ कार्यकर्ता रो रहे हैं, भानगर के लोग मुझे जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि अपनी ही पार्टी में इस तरह के रोष को थामने के लिए ममता दीदी ने कहा कि अगर पार्टी फिर सत्ता में आई तो वे विधान परिषद का गठन कराएंगी ताकि पार्टी के अनुभवी नेताओं को इकट्ठा किया जा सके। गौरतलब है कि जिन नए चेहरों को टिकट दिया गया है उनमें कई एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर और खिलाड़ी शामिल है, जिनमें फिल्म डायरेक्टर राज चक्रवर्ती, एक्ट्रेस सयातिका बनर्जी, कौशानी मुखर्जी और जूने मलिया शामिल है। इनमें से कुछ तो टीएमसी में इसी साल शामिल हुए हैं। लिस्ट जारी करने तक तो ममता दीदी इस चुनाव को बीजेपी बनाम टीएमसी का नाम दे रही थी, लेकिन अब उनकी ही पार्टी में हड़कंप मचने पर लग रहा है कि जल्द ही टीएमसी के लिए ये चुनाव टीएमसी बनाम टीएमसी बनने वाला है, क्योंकि पार्टी का रोष इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, जो किसी न किसी भयावह तौर पर बाहर जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।